हेलो पब्लिक, आई एम जैस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। यस, आप सब सोच रहे होंगे कि ये अजीबोगरीब स्टार्ट घर के कौन से कॉर्नर से हो रहा है। सो इफ़ यू आर वॉचिंग माई शॉर्ट वीडियो दैन यू मस्ट हैव सीन दैट कि मैं अभी नए घर में शिफ्ट हुई हूँ एंड सब कुछ अप एंड अभी तक चालू है पूरा शिफ्टिंग। सो आज का वीडियो होने वाला है बहुत ज़्यादा स्पेशल क्योंकि एक होम टूर हो जाए। चलो फटाफट लियो। गाइस, सो मैं ठीक हूँ, मेरे घर के सामने खड़ी हूँ एंड आज कुछ ज़्यादा इवेंट चल रही है। अभी ना अलर्ट है एक्चुअली नवसारी में 3-4 दिन का साइक्लोन का, तो ये नीचे पार्किंग है एंड अभी तक ये जो काम है वो सब कुछ चल रहा है, कंपाउंड एंड गेट का काम। यहाँ से ये पार्किंग है, सामान ऐसे से कुछ बिखरा पड़ा है, मेरी बाइक और कार एंड यहाँ से स्टार्ट होते हैं स्टेयरकेस। तो हमने ना एक फ्लोर ऊपर से घर बनाया है, अपार्टमेंट काइंड ऑफ थिंग, क्योंकि ना पार्किंग का बहुत ज़्यादा इशू होता है हर बार एंड अदर एंड मोर लियो। लियो इज एट एंट्रेंस वेलकम करने के लिए बट ही इज स्लीपिंग। दादी भी रेस्ट कर रही क्योंकि टाइम ही जैसा अजीब वगैरह हो रखा है, धूप बहुत आती है ये साइड से तो दोपहर को हम ना ग्लास बंद कर देते हैं, ये ग्लास गर्म हो जाते हैं एक्चुअली। तो ये है एंट्रेंस, जियो फाइबर लगा है बट ड्यू टू विन कुछ इश्यू है तो ये चल नहीं रहा, तो हमने कॉल करके बुलाया है तो इंजीनियर विल कम एंड रिपेयर दैट थिंग। हॉल सब कुछ एकदम खाली खाली सा है क्योंकि पूरा सामान सब बाकी है। आवाज़ स्टार्ट हो गई, नीचे काम चालू है। ये मॉम डैड का रूम काफ़ी अस्त व्यस्त हो रखा है, जस्ट इग्नोर दैट। ये कपड़ हम गांव से उठा के लेके आए कल ही। ये वाला मेरा फेवरेट है क्योंकि मैं हमेशा ड्रेसिंग टेबल के सामने वाले मिरर को यूज़ ज़्यादा करती हूँ, तो ऐसे वाले मिरर मेरे रूम में एंड भाई के रूम में भी लगने वाले, इनका ऑर्डर दिया है। पीछे बहुत सारे मैंगोज रखे हुए हैं, इसका भी काम बाकी है, इस पर भी ऊपर क्लोजर एंड एवरीथिंग विल कम, बट ठीक है रहने के लिए अभी ठीक है। सो ये वॉशरूम, सारे बेडरूम मास्टर बेडरूम है एंड ये कॉमन। सो किचन और स्टोर रूम एंड ये मंदिर वाला रूम। किचन की बालकनी, बहुत ज़्यादा विंड है। जैसे मुंबई में अगर आप 1 BHK फ्लैट में रहते हो तो फिर यही आपका जिम है, आप ऊपर नीचे करते हुए थक जाओगे, पूरा खाली है। कैन यू सी दिस, यहाँ पर भी एक रूम बनाया है काफ़ी अच्छा, स्लाइडिंग डोर के साथ, बहुत विंड आ रही है बट पूरा खाली है, फैन भी बाकी है। फिर ये साइड है, ये मेरा वाला रूम है, इसका तो अच्छे से अपन टूर करेंगे, पूरा खाली है। टूर ऑफ माय एम्प्टी हाउस, यस। ये कुछ सामान मैं मेरा लेके आई हूँ बट रखना बाकी है एंड बाकी बहुत सारा सामान आने वाला है, मेरे फुटवेयर, मेरे पर्स एंड एवरीथिंग। इतना कम सामान इसमें क्या होगा। सामने है मेरे भाई का रूम जो कि बहुत इनविजिबल रहता है, हम सब ना यहीं सोते क्योंकि एसी एंड फैन ये वाले रूम में दोनों लगाया हुआ है। सबसे पहले दिन में जब मतलब घर बन गया हम पहले आए तो मैं और मेरी मॉम की हालत हो जाएगी, ये स्विच कहाँ, किसका स्विच कहाँ, इतना मतलब हर एक रूम में 3-4 स्विच बोर्ड दिखते, सब बटन दबाते रह जाते हैं। तो अभी तो हम यही सब सो रहे हैं ऊपर नीचे सब कुछ डाल के एक ही रूम में, फिर अभी देखते हैं आगे। काम ख़त्म होने में एक्चुअली टाइम लगने वाला है, तो वन ऊपर टेरेस है, वेट ये रूम एंड यहाँ से टेरेस एंड गाइस सबसे स्पेशल ये है, ये पूरे 3 माले का ये लगा दिया है ग्लास एक साइड पर। टेरेस यहाँ पर मोस्टली सबके टेरेस के ऊपर ना सोलर पैनल्स लगाए हुए हैं
हम भी लगा लेंगे फ्यूचर में। इतना सो आई एम ऑन डे वन ऑफ माई पीरियड, सो थोड़ी बहुत थकान, थोड़ी नहीं ज़्यादा ही थकान हो रही है। एंड एक और गुड न्यूज़ है, अब भी दे दूँ मैं गुड न्यूज़, ठीक है चलो, तो मेरी लाइफ बदलने वाली है, सांस ले लो, मेरी लाइफ चेंज होने वाली है क्योंकि आई एम स्विचिंग फ्रॉम कॉर्पोरेट टू टीचिंग फील्ड, एजुकेशनल सेक्टर में। तो आपने मेरा शॉर्ट वीडियोस देखा होगा कि मैं ना स्कूल्स में अप्लाई कर रही थी, एंड इन माई व्लॉग ऑल्सो आई हैव टोल्ड यू गाइज कि बहुत आई थिंक सो 9 to 10 स्कूल्स विजिट किए सामने से, कुछ पेपर में एडमिट नहीं देखा, जितने भी स्कूल्स थे मैं गई एंड वहाँ पे अपना रेज्यूम सबमिट किया, इंटरव्यू दिया, एंड लकीली कल ही मैं डेमो भी दे के आई हूँ फॉर द सब्जेक्ट मैथ्स एक्चुअली। एंड तो परसों से आई एल बी ज्वाइनिंग एज अ टीचर इन स्कूल। बड़ा मज़ा आया बच्चों को पढ़ाकर, माय फर्स्ट एक्सपीरियंस इन माय डेमो लेक्चर, लिटरली मज़ा आ गया। तो भाई अब ब्लॉगर या यूट्यूबर कह लो, टीचर ना बहुत सारी, ये मेरी ना थर्ड जॉब है एक्चुअली, इन थर्ड डिफरेंट फील्ड। तो मेरी पहले वाली मेरी जॉब थी, दैट वॉज ऑफ फैशन मॉडल, सो आई वॉज द मॉडल फॉर वन ऑफ दी ब्रांड बोलिए, फिर अपकमिंग ब्रांड। तो मैंने फिर वो जॉब छोड़ दी, मैं मुंबई चली गई, वहाँ पे मैंने अच्छा सा एक्सप्लोर किया, वहाँ पे एक कंपनी में आई वॉज वर्किंग एज बिजनेस डेवलपमेंट एंड मार्केटिंग ट्रेनिंग। तो एंड उसके बाद ये मेरा थर्ड जॉब है, एज यू गाइज नो ड्यू टू एक्सीडेंट ये अभी भी है, मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई वहाँ पे, एंड अब मैं यहाँ पे शिफ्ट हो चुकी हूँ गुजरात में। तो फिर परसों से मेरी लाइफ पूरी चेंज होने वाली है, एंड उसके लिए मुझे बहुत सारी तैयारी करनी पड़ेगी, सिलेबस देखना, दिस दैट, ओह माय गॉडनेस, आई एम सो व्हाट एक्साइटेड। एंड ये घर सेटअप करना है, मेरा पूरा रूम है उसको मुझे स्टूडियो में कन्वर्ट करना है, तो ये जर्नी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होने वाली है। क्या बोल रही हूँ मैं, सच में दिमाग हिल गया है, लीव इट। तो आप और मैं ये मिलके कर लेंगे, राइट? सो स्टे ट्यून्ड, स्टे अपडेटेड, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन स्टे हेल्दी, बाय।